आपसे एक और चीज के बारे में बात करनी थी। आपने डार्क सीरीज नेटफ्लिक्स पे देखी ही होगी, उसमें आपको क्या गलत लगा, क्या सही लगा, कौन सी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई, सो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछो। अगर उस पर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों ने ट्यूटोरियल देखा कि नहीं देखा है? चलो दिखा देता हूं मैं। हर बार की तरह ये ट्यूटोरियल भी काफ़ी इजी होने वाला है। डार्क नेटफ्लिक्स की जो सीरीज है वो देखने में और समझने में इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी हार्ड है, लेकिन उसका इंट्रो बनाना उतना ही ईजी है। ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधा ट्यूटोरियल पे बातें हैं। आज का जो ट्यूटोरियल है वो पूरा इंट्रो कैसे बनाए उसके बारे में नहीं, लेकिन उस इंट्रो में एक इफेक्ट है जिसे बहुत ही आर्टिस्टिक तरह से यूज़ किया है, और वो इफेक्ट कोई बड़ा प्लगइन या कोई 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 बहुत सारी लंबी प्रोसेस नहीं है उस इफेक्ट को अचीव करने की। एक सिंपल सी इफेक्ट है जो प्रीमियर प्रो के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो है वो बना के रखा है, उसके अंदर सीक्वेंस भी मैंने बना के रखा है, फुल एचडी सीक्वेंस मैंने क्रिएट करके रखा है। अब बहुत सारे वीडियो फाइल्स है जो मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखे थे, क्योंकि मैंने एक पूरा इंट्रो बना ऑलरेडी मैंने बना लिया है। मैं हम कुछ दो तीन क्लिप्स सिलेक्ट करके उस पर हम इफेक्ट अप्लाई करेंगे और मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ उसमें। फर्स्ट वाली जो क्लिप है वो मैंने ये वाली सिलेक्ट करके रखी है। अब मैंने जो इंट्रो का जो म्यूज़िक है वो भी मैंने इंपोर्ट करके रखा है, सीक्वेंस में भी इंपोर्ट कर दिया है मैंने। अब उसको वहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी चेंजेस आ रहे हैं वो म्यूज़िक के बीट के हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जो शॉट जो है वो चेंज हो रहे हैं म्यूज़िक के बीट के ऊपर, वो भी हम कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो तो आपको भी आता होगा। ये वाली पोजीशन पे एक और नया फुटेज आएगा और वो भी मैंने सिलेक्ट करके रखा है, और वो होगा ये, और यहाँ पे एक दूसरा बीट आ रहा है नया म्यूजिक का, यहाँ पे भी एक नई क्लिप आएगी। ओके, ये वाली क्लिप हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे वो एक थर्ड बीट आ रहा है जहाँ पे जो फुटेज है वो चेंज होगा। ओके, हमें मेन चीज़ पे अभी आना है और वो है इफेक्ट, और इफेक्ट का जो नाम है वो है मिरर इफेक्ट। आपको सिंपली इफेक्ट में जाके मिरर सर्च करना है, ये आ गया, उसको क्लिप के ऊपर अप्लाई कर दो और इफेक्ट कंट्रोल्स के अंदर जाओ, वहाँ पे आपको ये दिखेगा। अभी क्या करना है, मिरर इफेक्ट कैसे काम करता है वो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, कि आपकी जितनी भी चीज़ें लेफ्ट में होती है वो आपको रिफ्लेक्ट करके राइट में दिखाएगा। एक पूरी फ्रेम बनेगी जिसमें होगा एक मिरर, लेफ्ट वाला जो पोर्शन हो जो होगा वो आपका मिरर हुआ होगा राइट साइड पे। यही है मिरर इफेक्ट। आपको अगर राइट वाला पार्ट जो है वो अगर लेफ्ट में रिफ्लेक्ट करवाना है तो आपको जो मेन जो फुटेज होती है जो क्लिप है उसको आपको फ्लिप करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मिरर इफेक्ट के पहले आपको फ्लिप इफेक्ट ऐड करना होगा, उसका भी मैं आपको एक आगे मैं सिखाता हूँ। वो भी मैं आपको एक ट्यूटोरियल में आगे सिखाता हूँ, पहले हम ये मिरर इफेक्ट को अप्लाई करके देखते हैं। मिरर इफेक्ट को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, बस हमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन सेंटर जो होता है, पॉइंट होता है उसका, वो हमें जो पूरा कम्प्लीटली राइट साइड पे हमें यहाँ पे दिख रहा है वो हमें सेंटर पे लाना है। उसका सिंपली लॉजिक यही होता है कि यहाँ पे जो 90-20 जो लिखा है उसका आधा कर दोगे तो जो सेंटर पॉइंट जो राइट साइड पे हमें दिख रहा है वो सीधा सेंटर में आ जाएगा। अब 90-20 का हाफ होगा 960, हो गई हमारे मिरर इफेक्ट। अगर ये इफेक्ट को हम प्ले करेंगे तो कम्प्लीटली डार्क का इंट्रो जैसा ही लगेगा, देख रहे हो आप। ओके, अब सिंपली सेकंड क्लिप पे जब हम इस इफेक्ट को अप्लाई करना हो तो इफेक्ट को हम कॉपी कर लेंगे और सेकंड क्लिप को सिलेक्ट करके उसी के ऊपर हम पेस्ट कर देंगे, हो गया। दोनों क्लिप को एक साथ प्ले करके देखते हैं।
ओके। अब थर्ड इफेक्ट की बारी आती है। थर्ड इफेक्ट पे भी हम सिंपली उसे पेस्ट कर देंगे, कॉपी ऑलरेडी हमने किया है इफेक्ट को, ये पेस्ट कर दिया और ये हो गया। अब मान लो कि आपको जो लेफ्ट में जो है उस वो आपको राइट पे नहीं रिफ्लेक्ट करवाना है, आपको एक्चुअली जो राइट का जो पोर्शन है वो आपको लेफ्ट में रिफ्लेक्ट करवाना है, सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सर्च करना है फ्लिप। सो जो हॉरिजॉन्टल फ्लिप होगा वो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट फ्लिप करवाएगा, और जो वर्टिकल फ्लिप होगा वो अप या डाउन टू अप करवाएगा। सो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है हॉरिजॉन्टल फ्लिप। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिखी क्योंकि ऑलरेडी हमने मिरर इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है उस पर। सो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फ्लिप इफेक्ट को ड्रैग करके उसके ऊपर हम ले लेंगे। ओके, मिरर इफेक्ट और हॉरिजॉन्टल फ्लिप इफेक्ट दोनों इफेक्ट के बिना जो ओरिजिनल फुटेज जो थी वो ये थी। सो जैसे ही हमने हॉरिजॉन्टल फ्लिप अप्लाई किया सो ये फ्लिप हो गई क्लिप। अब उसके बाद हमें मिरर इफेक्ट अप्लाई करना है, सो ये मिरर हो गया। सो इस तरह से हम राइट के पार्ट को भी लेफ्ट में रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। अब तीनों को साथ में एक साथ प्ले करके देखते हैं। हो गई हमारी इफेक्ट रेडी। बस यही इफेक्ट आपको सारे जितने भी फुटेज आपको चाहिए वो सारी इंट्रो में जो भी म्यूजिक आ रहा है उसके ऊपर आप सेट कर दीजिए और इस इफेक्ट को आप अप्लाई कर दीजिए और आपका पूरा जो डार्क का इंट्रो जो है वो रेडी हो जाएगा। मुझे आपसे एक और चीज़ के बारे में बात करनी थी। आपने डार्क सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे देखी ही होगी, अगर उस पर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। आप लोगों ने ट्यूटोरियल देखा कि नहीं देखा है?